नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपीएससी के तहत मिलने वाले आईएफएस पद के विषय में। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, सफल हो जाते हैं और उसमें आपकी रैंक ऐसी आती है कि आपको आईएएस, आईपीएस या जो आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है नहीं मिला, तब आप कौन सा पद लेंगे, तो आप ये जो आज हम बताने जा रहे हैं ये भी ले सकते हैं। इसका नाम है इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस इसको भी बोलते हैं। तो इसके काम क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं और किस तरीके की इनकी जॉब होती है, वो सब आपने अपने इस वीडियो में हम बताएंगे। पर उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे थोड़ा सा लड़कों को कि हम जो यूपीएससी का एग्जाम है या कोई कैरियर है उसकी शुरुआत कैसे करें। आखिर हम जो पढ़ते क्यों हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे अभी कोई लड़का है, वो पढ़ने जाता है, तो वो पढ़ क्यों रहा है? बस ऐसे ही पापा जी ने बोला कि बोले जाओ स्कूल में पढ़ो, कोई उद्देश्य तो लेके पढ़ो, या किसी की तैयारी कर रहे हैं हम, कोई उद्देश्य लेके तो करते हैं। जब उद्देश्य पता ही नहीं होगा तो आप तैयारी क्या करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको पता होगा कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ये है, तो आप तैयारी उसकी कर सकते हो। अगर आपको मंजिल ही नहीं पता तो रास्ते पर कैसे चलोगे, आप किसी भी रास्ते पर भटकते हुए चले जाओगे। मंजिल तो मिल गई किस्मत से तो ठीक है, यही हुआ ना। तो किस्मत के भरोसे नहीं, पहले आप मंजिल निश्चित करो कि हमें जाना कहाँ है और उस मंजिल को पाने के लिए सही रास्ते पे सही समय से जाएं, ताकि आपका समय नष्ट ना हो। आपने देखा होगा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते करते लड़कों को 8-8, 9-9 साल हो जाती हैं, 9-9 अटेम्प्ट करते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं। उसका कारण यही है कि ये जो भटके हुए लोग होते हैं उनकी उम्र निकल जाती है, फिर वो कहते हैं चलो अब हम इसमें तैयारी करते हैं, वो सही समय से एक्चुअल में उस रास्ते पर चले नहीं है। इसका सही समय पे अगर आप सही रास्ते पर चल गए तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो मैं स्पेशल इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप सही समय से सही अपने करियर को चुन सकें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कक्षा 9-10 से ही तैयारी चालू कर देना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें यूपीएससी की परीक्षा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है इसको देना है, तो किस सब्जेक्ट से देना है, उसमें हम कौन से सब्जेक्ट को अपना मेन सब्जेक्ट बना करके एग्जाम देंगे। बाकी पढ़ना तो सभी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, सब में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अच्छी तैयारी करनी है सभी सब्जेक्टों की, और जनरल नॉलेज की अच्छा होना चाहिए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको बता देते हैं अच्छे से। पर एक सब्जेक्ट आपका जो आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, जिसके 2 पेपर मेंस में होते हैं स्पेशल, वो आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, इसकी शुरुआत आप कक्षा 9 से ही अगर चालू कर देंगे तो आपके पास 9, 10, 11, 12 और बीएससी या बीए ग्रेजुएशन 3-4 साल, तो आपको 7-8 साल मिल जाते हैं। तब तक आप पहली बार जब इस एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास अपने सब्जेक्ट का बहुत ही गहरा ज्ञान होगा आपके पास, तो आपको कोचिंग में जो पहले साल ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ही मेहनत में आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। पर लड़के गलती क्या करते हैं, कई लड़कों को मैंने देखा है कि पहले पता नहीं रहता उन्हें, बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ लिया, 12वीं कर ली, सब बीटेक में जा रहे हैं तो हम भी बीटेक में जाएंगे, सब एमबीए में जा रहे हैं तो हम एमबीए में जाएंगे, बीटेक कर ली, एमबीए भी कर ली, अब बोले मन नहीं लगा, अच्छा हमको करियर नहीं मिला, अच्छा हमको पैकेज नहीं मिला। यार वो आईएएस अच्छा है, सरकारी जॉब अच्छी है, वो सरकारी ऑफिसर बनेंगे हम, आईएएस आईपीएस हमारा दोस्त बना है, उसने पास कर लिया, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, सिंपल बीए करके और वो चला गया, उसने एक तैयारी की थी,
सही समय पर सही डिसीजन लिए थे तब जाके वो तुमसे पहले ऑफिसर बन गया है। अगर आप भी जब आना ही ऑफिसर में है तो तैयारी सही समय से करें, ना कि इधर उधर पैसा बर्बाद करें अपना और समय खर्च करें। तो सही समय पर अगर आप निर्णय लेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, समय भी, बहुमूल्य समय जिसे कहते हैं हम, वो भी बचेगा और आप जल्दी से जल्दी 22 या 23 साल की उम्र तक ऑफिसर बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसमें अगला ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो अगला ऑप्शन है इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। तो ये करते क्या है, इनके काम क्या होते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, बहुत ही बड़ी। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं अभी एस जयशंकर जी, वो क्या हैं, वो यही आईएफएस थे, उसी विभाग के वो सचिव थे हैं? और देखो उनकी किस्मत देखो आज, कि वो जो विदेश मंत्री इनसे पहले थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो उनके साथ उनके सेक्रेटरी थे, सचिव थे उस विभाग के, जाया करते थे विदेशों में उनके साथ। पर किस्मत देखो उनकी कितनी अच्छी रही कि मोदी साहब ने उनके, सुषमा स्वराज जी का निधन होने के बाद, उन्हीं को एक ऑफिसर को ही मंत्री बना दिया। ना वो सांसद हैं, मंत्री बनने के लिए आपको अगर देश में मंत्री बनना है तो सांसद होना जरूरी है, चाहे राज्यसभा से या लोकसभा से। अगर मंत्री नहीं है तो भी आपको 6 महीने के बाद बनना ही पड़ेगा, तभी आप मंत्री पद पर रह सकते हैं। तो मोदी साहब ने उनको मंत्री ही बना दिया और सांसद भी बनवा दिया 6 महीने के अंदर। तो ये देखो, एक ऑफिसर एक मंत्री तक जा सकता है जो कि उस विभाग का संपूर्ण मुखिया है, पूरे विभाग का मुखिया होता है मंत्री, सारे डिसीजन उसी के हाथ में होते हैं, सारे ऑफिसर उसी के हाथ में होते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, एक ऑफिसर से वो वहां तक गए, कितना करियर है, देख रहे हो आप कितना ग्रोथ है इसमें। अगर आप चाहते हैं ये बनना, तो वही सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो हमने बताया था आपको, कैसे तैयारी करना है, कहां से करना है, IAS का जो वीडियो बनाया था उसकी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो IFS करते क्या है, इसके विषय में हम बताते हैं। इसमें विदेशों में ये राजदूत बनते हैं, अपने विदेशों में इनकी पोस्टिंग राजदूत के रूप में होती है, एम्बेसडर बोलते हैं इन्हें। अब उनके काम क्या होते हैं कि जैसे कि अपने देश के जो संबंध है किसी, जैसे विदेश, जैसे कि समझ लो स्पेन हुआ या फ्रांस हुआ, वहां पे ये लोग जाते हैं, तो उनकी सरकार से जो भी हमारा तालमेल होगा, जो भी बात होगी हमारी सरकार से, वो इनके द्वारा होगी। जो भी हमारे नागरिक यहां से विदेश जाएंगे, उनके देखभाल, रख रखाव, उनके अगर वहां हमारे नागरिकों को किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो कहां कॉन्टेक्ट करें, तो वो इन्हीं लोगों से, इसी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं और ये लोग उनकी मदद करते हैं। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन युद्ध हुआ, फ्रांस, रूस और यूक्रेन युद्ध में बहुत सारे लोग फंस गए थे हमारे, तो यही मिनिस्ट्री, ये और रक्षा मंत्रालय दोनों मिलके उन नागरिकों को जो हमारे वहां पे फंसे हुए थे निकाल के लाए थे। तो ये काम इनके होते हैं। दूसरा काम क्या होता है कि अगर विदेशी जो हैं उनको हमारे यहाँ आना है तो उनको वीजा अप्रूव करना, यही काम, उनको परमिट करना कि भाई आप हमारे देश में इतने समय के लिए जा सकते हैं, यही लोग देते हैं वीजा। तो ये वीजा देना या अपने नागरिक जो बाहर जा रहे हैं अन्य किसी देश में, उनके ऑफिस वहां होते हैं, राजदूत होते हैं, वो वहां पे उनकी देखभाल और उनकी सरकारों की जो बातचीत है, अपनी सरकार को बताना, अपनी सरकार उनके राजदूतों को बताते हैं कि भाई अपनी सरकार से ऐसा संदेश दो, ऐसा मैसेज दो हमारी तरफ से। तो ये सब काम होते हैं मीडिएटर, राजदूत आपने सुना होगा पहले, है ना, दूत, दूत आए हैं उनके फलाने के, दूत को कभी मारते नहीं थे, दूत पे आक्रमण भी नहीं करते थे उस समय से। तो ये काम होता है, बहुत ही अच्छा पद है। आप विदेशों में जाएंगे, विदेशों में रहेंगे, आपको वहां की नागरिकता भी मिल जाती है, कभी कभी नागरिकता मिल जाती है, आपके बच्चे हो गए उनको भी नागरिकता मिलती है,
तो विदेश में आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका भी मिलता है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिल जाते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं आपको इसमें, बच्चों का करियर भी आपके अच्छा बनेगा, और ऑफिसर आप तो हैं, और ऑफिसर को मैंने बता दिया कहाँ तक ग्रोथ है। जब एक मंत्री बन जाते हैं, अगर आप कैबिनेट में केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री बनेंगे आप, तो आपके नीचे जो आईएएस भी हैं वो भी छोटे हो जाएंगे। कितना भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा मंत्री से तो वो छोटा ही होता है, बहुत छोटा होता है। तो इतनी ग्रोथ है इसमें, तो ऑफिसरों की जो यूपीएससी के थ्रू जो ऑफिसर जाते हैं, इनकी ग्रोथ का कोई पैमाना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो मंत्री तक जा सकते हैं, जाते भी हैं। कई लोग रिटायरमेंट के बाद पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी जाते हैं। पर अभी हमने जो इस सरकार में देखा है इस पद के लिए कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ऐसे ही आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी ऑफिसर बने, तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू आप ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पद पा सकते हैं, और इसकी पेमेंट और वो सब सेम ही होता है, तैयारी भी सेम होती है, जैसे कि आईएएस आईपीएस इन सबकी तैयारी एक से ही होती है, बस रैंक का फर्क होता है कि आपको कौन सी रैंक मिली है और आपने कौन सा पद मांगा है। हो सकता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस जो थोड़ा आपके मन को ना भाए वो भी पद मांग लें कि नहीं साहब हमें तो ये वाला पद दे दो, और बाद में आपको पता चले कि नहीं उसमें अच्छा काम होता था हमने वो नहीं मांगा था, आप फिर से तैयारी करेंगे। कई लड़के करते हैं ऐसा, जैसे उनकी रैंक आई उनको उनने कहा कि आईएफएस पहले भर दिया, अब उन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अब वो सोचते थे कि कहीं हमने आईआरएस भर लिया होता तो अच्छा रहता, इससे तो अच्छा आईआरएस था, होता है बोले इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हम हैं। तो वो एक अगर आपको जानकारी होगी सही तरीके से इन पदों के विषय में, तभी आप सही क्रम आप अपनी सीनियरिटी के वो रैंकिंग के लिए दे पाएंगे। पहली अगर हमारी रैंकिंग आई तो हमको आईएएस, दूसरी रैंकिंग आई तो आईपीएस, हो सकता है कई लड़कों को आईपीएस अच्छा लगता हो आईएएस अच्छा ना लगता हो, तो वो अपनी पहली रैंक आईपीएस भी देते हैं। तो ऐसा है, वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है, अगर आपको सही जानकारी होगी तो ही आप सही तैयारी कर पाएंगे, सही समय से कर पाएंगे और सही पद का क्रम दे पाएंगे कि हमको ये पद पहले चाहिए। तो वीडियो बनाने का मतलब ही यही है, हमारा मकसद ही यही है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं और आप अपने भविष्य का निर्माण सही तरीके से कर सकें और सही जगह जाएं पहली बार में। मैं सभी से ये कहता हूं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य निर्धारित करो, अगर आप नौकरी की तैयारी करते हो तो इन ऑफिसरों के लिए ट्राई करो, क्योंकि आपको बाद में समय नहीं मिलने वाला। तो जब नौकरी के लिए प्रयास ही कर रहे हो तो ऑफिसर के लिए ही प्रयास करो, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो। अगर आपको ऑफिसर में नहीं हुआ तब हम दूसरे पद और वीडियो बनाएंगे, उनमें बताएंगे कि आपके लिए और भी क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अगले पद के विषय में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।